aggression in human being. Okay, we studied some mechanism, shivering thermogenesis and non-shivering thermogenesis. These were to maintain internal body temperature. We saw this thermostat function of hypothalamus. See, and how feedback control mechanism in human works. Feedback, जैसे जो भी message आ रहा है बाहर environment से towards the brain, message आता है brain की तरफ के, और फिर brain में जो हमारा thermostat है वो एक जो हमारे पास hypothalamus है, it is working as a thermostat. ठीक है, hypothalamus हमारे brain के अंदर है, it is working as a thermostat. Thermostat एक ऐसी machinery का नाम है कि जो temperature को maintain रखने में, नाम से जाए thermostat, वो एक खास limit में उसको रखने के लिए काम कर रहा होता है. आज हम देखेंगे कि what are the two different टाइप्स ऑफ मेजर कैटेगरीज के, जैसे एक कोल्ड टेम्परेचर में कैसे मेंटेन किया जाता है बॉडी टेम्परेचर को, एंड हाउ इन वार्म टेम्परेचर. अच्छा, हम जब कोल्ड टेम्परेचर की बात करते हैं तो हमें देखा है कि हमने थर्मो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में देखा कि जैसे इंक्रीज इन द रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन बाय इंक्रीज्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मसल मूवमेंट होगी, इन द रिजल्ट हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक होगी बात, ये हो जाएगा कोल्ड टेम्परेचर में. हम एक ओवरऑल को डिस्कस करते हैं कि कैसे कोल्ड टेम्परेचर में क्या क्या डिफरेंट अडैप्टेशन है विच बॉडी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द बॉडी टेम्परेचर. एक तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो गया, अगर हम उसको देखते हैं कि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, जैसे कि हमने पीछे देखा कि द हार्मोन ट्रिगर, ठीक है, कि हार्मोन स्टिमुलेट कर रहे हैं हीट प्रोडक्शन को, मतलब जो भी बॉडी के मेथड्स हैं फॉर हीट प्रोडक्शन, तो दैट विल बी नॉन शिवरिंग. फिर हमने पीछे देखा कि ब्राउन फैट, कि सब मैमल्स है ब्राउन फैट जो कि स्पेशलाइज्ड है फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन. अब यहाँ पर दो टर्म्स हम देख रहे हैं, वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रिक्शन. ठीक, अब ये दोनों को हम थोड़ा सा ब्रीफली मैं आपको इसकी डिफाइन कर दूँ कि व्हाट इज वैसोकंस्ट्रिक्शन. अच्छा, अगर बॉडी ने अपनी जो हीट प्रोड्यूस की, ठीक है, बॉडी अपने अंदर मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस की और वो ज़्यादा प्रोड्यूस हुई और क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट में रिलीज हो गई, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली कम हो गया ना, बॉडी का अपना टेम्परेचर रिड्यूस हो गया, देन क्या होता है कि ब्लड सप्लाई टू द स्किन कैपिलरी इज रिड्यूस्ड. मैं बात कर रही हूँ वैसो कंस्ट्रक्शन की. ठीक, कि जब इन द फर्स्ट केस के जब ब्लड कैपिलरीज में स्किन ब्लड फ्लो रिड्यूस कर दिया जाता है तो क्या होता है कि स्किन कैपिलरीज आर कंस्ट्रिक्टेड, मतलब वो थोड़ी सी क्लोज या बंद होने का एक लेवल आता है, दिस इज कॉल्ड वैसो कंस्ट्रिक्शन. और वैसोडाइलेशन में क्या होता है, वैसोडाइलेशन में ओवर प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट ज़्यादा हो गई है. ठीक है, अब अच्छा, अब अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि जब हमने यहाँ से देखा था ना कि इंक्रीज्ड एक्सरसाइज इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, यहाँ हमने कब पढ़ा था वैसोडाइलेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि ब्लड हीट बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई, ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल्स आर डायलेटिंग, दे आर मोर वाइड, उनका ज़्यादा स्पेस बढ़ गई है, ब्लड फ्लो इजी हो गया है, वैसोडाइलेशन, तो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है टूवर्ड्स द स्किन और कैपिलरीज, दे आर मोर डायलेटेड. सो ये जो दोनों मैकेनिज्म हैं वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रक्शन, दे अफेक्ट हीट एक्सचेंज एंड मे कंट्रीब्यूट टू रीजनल टेम्परेचर डिफरेंस विद इन एनिमल. एक खास एरिया में जो एक टेम्परेचर उस एनवायरमेंट का है और उसकी बॉडी का है उसको मेंटेन रखने के लिए दीज आर द टू मेजर मैकेनिज्म, वैसोडाइलेशन एंड वैसोकंस्ट्रक्शन. जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, वैसो कवर्ड हम मोस्टली तौर पर इसके लिए कैपिलरीज के लिए यूज कर सकते हैं, या जो ब्लड की हमारी वेन्स हैं, ठीक है, वैसोडाइलेशन के जब ब्लड कैपिलरीज व्हेन दे आर डायलेटेड, व्हेन दे आर मोर ओपन, व्हेन दे आर वाइडन फॉर इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो. और वैसो कंस्ट्रक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है कंस्ट्रक्शन यानी कि तंग कर देना, बंद कर देना, एक तरह से बंद प्रॉपरली नहीं होता मुकम्मल तौर पर, कंस्ट्रिक्ट कर दिया थोड़ा सा उसको तंग कर दिया जाता है ताकि ब्लड फ्लो को कम किया जा सके. अच्छा, अभी जब हमारा टेम्परेचर एनवायरमेंट का रिड्यूस हो जाता है ऑन अ कूल डे, ह्यूमन्स टेम्परेचर मे बी सेवरल डिग्री लोअर इन द आर्म्स एंड लेग्स एंड इन द ट्रंक, हमारे ये जो टमी वाला एब्डोमिनल एरिया है इधर टेम्परेचर हायर होता है और आर्म्स और लेग्स में टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, हमें इसलिए इधर एरिया में ठंड ज़्यादा फील होती है.
वेयर द मोस्ट वाइटल ऑर्गन्स आर सिचुएटेड, ठीक है, हमारे जैसे कि एब्डोमिनल एरिया में, हमारे चेस्ट एरिया में ज़्यादा मेजर ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हार्ट, लंग्स, स्टमक, तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा रखा जाता है ताकि टेम्परेचर की मेंटेनेंस ज़्यादा रखी जाती है, ताकि जितने भी हमारे इंटरनल फंक्शनिंग है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसको कहीं कोई कोई उसमें ब्लॉकेज है, उसमें कोई हिंड्रेंस ना आ जाए, इसलिए इंटरनल टेम्परेचर का मेंटेनेंस ऑन अ कोल्डर डे, हमारा ये जो एब्डोमिनल एरिया है वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा हायर होता है। अच्छा, अब हम कुछ में अडेप्टेशंस पढ़ेंगे कि कैसे एक कोल्डर डे पे कोल्ड टेम्परेचर में कुछ मैमल्स हाउ दे अडेप्ट, कैसे करते हैं कुछ एनिमल्स में या कुछ बर्ड्स में क्या करते हैं कि दे रेज देयर फर, वो अपने फरों को उठा लेते हैं बाय ट्रैपिंग द थिक लेयर ऑफ स्टिल लेयर, कि वो अपने परों के नीचे एक एयर की एक लेयर बना लेते हैं, और उस लेयर का फायदा क्या होता है, इट एक्ट्स एज अ गुड इंसुलेटर बिटवीन एनिमल स्किन एंड सराउंडिंग। ठीक, पहला हमने शुरू में हमने तो दो मैकेनिज्म देख लिए, वैसोडाइलेशन, वैसोकंस्ट्रक्शन, दोनों मिलकर कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं फॉर मेंटेनिंग कोल्ड टेम्परेचर। अब हम अडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं, हाउ इन कोल्ड टेम्परेचर डिफरेंट एनिमल सर्वाइव। पहला हमने देखा कि दे रेज देयर फीदर्स आर दे रेज देयर फर्स, और वहाँ पर वो एक थिकर लेयर की एक डै बना देते हैं, और वो एक्ट करता है एज अ गुड इंसुलेटर। अब हम बात करते हैं डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि दे मोस्टली रिलाई ऑन द लेयर ऑफ फैट जस्ट बीनीथ द स्किन एज अ इंसुलेटिंग मटीरियल अगेंस्ट हीट लॉस। सर्दियों में हमारी बॉडी के नीचे, ओवरऑल हमारे स्किन के नीचे एक बाकायदा तौर पर फैट की लेयर होती है कि जो हमें इस शदीद सर्दी की उससे बचाती है कि डायरेक्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हीट स्ट्रोक ना हो, सर्दी में भी ठंड ना फील हो। अब हम यहाँ पर एक और चीज़ देख रहे हैं, ब्लबर। ठीक है, ब्लबर क्या होता है, हम इसको देखेंगे कि फिशेज में, मैरीन फिश में, कि जहाँ लोअर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है बॉडी से, तो वो क्या करते हैं कि उनकी बॉडी में वो भी एक तरह का इंसुलेटिंग फैट की लेयर बना लेते हैं, फैट की लेयर, फैट वर्क करेगा एज अ इंसुलेटिंग, यानी कि इसको हाई इतना लोअर टेम्परेचर से बचाएगा, क्योंकि डीप डाउन सी में लोअर जो वाटर का टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, बहुत शदीद फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, तो उससे कैसे अडेप्ट करते हैं, वो अपनी बॉडी में इंसुलेटिंग फैट्स की लेयर बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लबर। ठीक है, ब्लबर हमने पढ़ा, हमने लैंड मैमल्स की बात की कि वो कैसे रहते हैं, तो अपने परों में या अपने जो उनके वो एक फीदर्स की या उनकी फर है, ठीक है, थिक फर जैसे जहाँ पर उनके स्किन है, वहाँ उसके नीचे एक एयर की लेयर बना लेते हैं। ह्यूमन बीइंग कैसे रहते हैं, दे रिलाई ऑन द फैट जो कि उनकी स्किन के नीचे है। फिर उसके बाद मरीन मैमल्स, ठीक है, मरीन मैमल्स कैसे रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेल्स एंड सील, ये क्या करते हैं, ये अपनी बॉडी के स्किन के नीचे थिकर लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट की डेवलप कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लबर। उसके बाद है जी वार्म वेदर में क्या होता है, वार्म वेदर की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपनी अडेप्टेशन हैं, हमने पढ़ा कि जैसे पीछे पूरे चैप्टर में हमने कुछ जगहों पर ये चीज पढ़ी, यानी कि कुछ मैमल्स एवापोरेटिव, यानी हमें पता है स्वेटिंग होती है, एवापोरेटिव कूलिंग होती है, कुछ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन हैं, कुछ बिहेवियरल अडेप्टेशन हैं, और कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, कुछ मतलब फंक्शनिंग हो रही है, कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप हो गए हैं, कुछ वो खुद एनिमल्स जब शरीर गर्मी होती है तो अपने डीप डाउन बरोज में, यानी कि वो अपने जो उनके बिल हैं वहाँ चले जाते हैं, और अपनी बॉडी के पोस्टर पोजिशन को उस तरह से रख लेते हैं कि उनकी बॉडी से एक्सेसिव हीट लॉस को मेनटेन किया जा सके। अच्छा, कि अब क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, यही वाले हैं कि मैरीन मैमल्स डिस्पोज ऑफ देयर एक्सेस हीट इनटू वार्म सीज बाय लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन, क्या करते हैं कि जैसे ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ एक्सेस हीट इनटू द वार्म सीज के बाहर अपने एनवायरनमेंट में हीट रिड्यूस करते हैं बाय ब्लड वेसल्स, जैसे कि हमने बात की थी पीछे वैसोडाइलेशन की, इंक्रीज ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द स्किन, जब भी बात हो वैसोडाइलेशन की, दिस इज इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन, ये बात आपने याद रखनी है, और वैसोकंस्ट्रक्शन क्या है, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द स्किन, जैसे इंक्रीज ब्लड होता है टूवर्ड द स्किन, वहाँ से क्या होता है कि ये हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस टू द एनवायरनमेंट दिस इज रिड्यूस्ड। अच्छा, ये तो अब हमने बात कर ली वार्म सीज की, यानी कि जो हमारे वाटर के जो एनिमल,
टेरेस्ट्रियल एनिमल जो कि लैंड के हैं, जो खुशी के एनिमल्स हैं, उनमें क्या होता है कि वो एक तरीका यूज करते हैं एवापोरेटिव कूलिंग, स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी, ठीक है, कि स्वेटनिंग होती है, पसीना आता है, वाटर ट्रांसपिरेशन होती है उनकी स्किन सरफेस से, इस तरीके से हीट टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट इट इज रिलीज। फिर पेंटिंग यानी कि जैसे हांपना होता है एवापोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जैसे कि हमने डॉग्स में देखा है दे बाहर की तरफ अपनी टांग निकालते हैं और फिर से सांस लेना शुरू कर देते हैं, उससे क्या होता है कि उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में कूलिंग इफेक्ट आता है और वो इस तरीके से अपने बॉडी को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से बैट्स एक्सेट्रा दे यूज देयर सलाइवा एंड यूरिन फॉर एवापोरेटिव कूलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने तीन तरह के एडेप्टेशन पढ़ी, पहले हमने जो बात की मैरीन मैमल्स की हमने बात की, उनमें हमने इंक्रीज ब्लड वेसल्स देखे, फिर उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल में दे यूज एवापोरेटिव कूलिंग, देन पेंटिंग जैसे कि अपने वो स्वेट ग्लैंड एवापोरेटिव कूलिंग करते हैं इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, एंड देन बैट्स वगैरह में क्या होते हैं दे यूज देयर सलाइवा इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड दे यूज आल्सो यूरिन टू कूल डाउन देयर बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोस्टैट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल्स इन द ह्यूमन। ये अब वही सारा कुछ एक्सप्लेनेशन है या डेमोन्स्ट्रेशन है दैट वाज फ्रॉम द प्रीवियस जो हम डायग्राम हमने स्टडी की थी, ठीक है, सारा कुछ डिटेल में मेंशन है, समझ लें कि उसी ही डायग्राम की ही डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन द ह्यूमन कैसे कंट्रोल किया जाता है, यानी कि हमारे ब्रेन में जो हमारा एक तरह से हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है, हाइपोथैलेमस हाउ इट वर्क्स एज थर्मोस्टैट, थर्मोस्टैट हमारी मशीनरी है जो कि हमारे फ्रिज वगैरह रेफ्रिजरेटर वगैरह में और इस्त्री वगैरह में ये होता है और वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प कर रहा होता है। तो हमारे बॉडी में हाइपोथैलेमस है दैट वर्क्स एज अ थर्मोस्टैट। ओके, सो ये उसी को ही हम थोड़ा सा एक्सप्लेन में डिस्क्राइब में करना करूँगी कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन इन द ह्यूमन ये किस तरह से होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन कम्प्लेक्स होम्योस्टेटिक सिस्टम, होम्योस्टेटिक हमें पता है कि कैसे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ऑस्मोटिक बैलेंस ये सब कुछ आ जाता है होम्योस्टेसिस में। इट इज फैसिलिटेटेड बाई फीडबैक, फीडबैक का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई फीलिंग आ रही है, जैसे कोई नीट है, कोल्ड है, हंगर है या किसी भी किस्म की कोई इंटरनल प्रोसेसिंग है, उसके लिए एक मैसेज आता है ब्रेन को एंड देन ब्रेन फंक्शंस इन द रिस्पॉन्स टू दैट फीलिंग या दैट स्टिमुलस। अब जो हमारा ये जो थर्मोस्टैट है यानी कि जो हमारा ये टेम्परेचर कंट्रोल करने वाला ये जो मशीनरी है ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस द ब्रेन पार्ट। हमारी बॉडी में हमारा होम्योस्टैटिक थर्मोस्टैट यानी कि जो हमारी होम्योस्टेसिस के लिए जो हमारा थर्मोस्टैट की जो मशीनरी है इट इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस दैट इज अ ब्रेन पार्ट, हमारे ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ठीक है, मैं आपको इसकी डायग्राम शो कर देती हूँ कि ये हमारा हाइपोथैलेमस किस एरिया में पाया जाता है, आपको अंदाजा हो जाएगा। आप अपने बुक की डायग्राम पेज नंबर आप अगर निकाल लें मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। इस पेज नंबर इज एट 68 जा रहे हैं आप लोग 68 पेज पे हम जाते हैं ताकि आपको हाइपोथैलेमस की डायग्राम आपके लिए क्लियर हो जाए। 68 दिस इज 68 ये देख लें कि जैसे दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज द ब्रेन पार्ट विच इज एक्टिंग एज विच एक्ट्स एज होम्योस्टैट कि जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन या कंट्रोल करने के लिए दैट इज अ मशीनरी दैट इज अ सिस्टम दैट वर्क्स फॉर द होम्योस्टेसिस एंड थर्मोस्टैट। ये अब हमने देखा, अब हम थोड़ा सा उसी डायग्राम को दिमाग में लाएंगे, ध्यान में लाएंगे कि कैसे हाई टेम्परेचर की सूरत में एक तो वैसोडाइलेशन हुआ था, फिर हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो हमने एक डायग्राम को स्टडी किया, एक तो होम्योस्टेसिस उसमें हमने देखा कि कैसे वैसोडाइलेशन हुआ, उसके बाद स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अच्छा,
इट रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर अबव एंड बिलो सेट पॉइंट विच इज 37 डिग्री, यानी कि हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये उन चेंजेस को फील करेगा और उसको रिस्पॉन्ड करेगा, यानी कि टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज बिलो और अबव 37 डिग्री को ये रिस्पॉन्ड करता है, यानी कि ये उसके हिसाब से बॉडी को मैसेज देता है कि कैसे इस टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज को कंट्रोल किया जाए। अब पहला केस है इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जब हमने कल देखा था कि टेम्परेचर हुआ बॉडी का अबव द सेट पॉइंट टू एक्सरसाइज और एनी फिजिकल एक्टिविटी, सर्टन वार्म टेम्परेचर सेंसिटिव थर्मो रिसेप्टर्स इन द स्किन, hypothalamus and other parts of nervous system send signals to the system that increase the blood flow to the skin. अब जैसे ही temperature increase हुआ तो क्या हुआ कि hypothalamus और कुछ दूसरे nervous system के parts ये क्या message send करते हैं to the system, पूरे body की system को message send किया जाता है ताकि blood flow to the skin increase किया जा सके, and they cause also sweat gland activation ताकि evaporative cooling, यानी कि sweat gland को activate किया जाता है for producing sweat और sweat को use किया जाता है for evaporation for the result of for the cooling procedure. ये हमने दोबारा से मैं आपको diagram अपने last previous page पे देख लें कि जैसे ही temperature high होता है due to exercise तो क्या होता है कि जो हमारा brain में part है that is hypothalamus ये message send करता है to all body systems टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो को इंक्रीज किया जाए टूवर्ड्स द स्किन, ताकि हीट जो प्रोड्यूस हो गई है बॉडी के अंदर वो जो ज़्यादा है सेट पॉइंट से 37 डिग्री से ज़्यादा है, उस हीट को टूवर्ड्स द स्किन उसको ताकि स्किन से वो बाहर की तरफ रिड्यूस हो सके, और देन उसके साथ है स्वेटनिंग ग्लैंड और वो स्वेट को प्रोड्यूस किया जाता है और एवेपोरेट किया जाता है फॉर द कूल। द नेक्स्ट इज इन द कोल्ड टेम्परेचर, वहीं उसी डायग्राम की ही डिस्क्रिप्शन है, कोल्ड टेम्परेचर सेंड द सिग्नल या इम्पल्सिस टू द हाइपोथैलेमस। देखिए मैसेजेस दोनों हाई टेम्परेचर के भी और लो टेम्परेचर के हाइपोथैलेमस में ही आ रहा है, ब्रेन पार्ट में ही आ रहा है। अब ये क्या करता है ये एरिया, ये बॉडी को अगेन अपना मैसेज सेंड करते हैं कि आपने इस हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर के लिए कैसे आपने इसके साथ टैकल करना है, कैसे बॉडी के टेम्परेचर को अब आपने सेव करना है। कोल्ड टेम्परेचर बॉडी का जब टेम्परेचर बिलो हो गया, बिलो द सेट पॉइंट 37 डिग्री, ठीक, अब लो हो गया, अब क्या करना है। पहली तो बात यह है कि हमने वास्तु कंस्ट्रिक्शन पढ़ा कि रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, तो दूसरी बात हमने शिवरिंग थर्मोजेनेसिस देखा कि कैसे इंक्रीज मसल से कॉन्ट्रैक्शन से टेम्परेचर को हाई किया जाए, हीट को प्रोड्यूस किया जाए। तो यहाँ पर भी यही दो मैकेनिज्म है इन द कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड रिसेप्टर हमारी बॉडी में स्किन के ऊपर कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, ये मैसेज सेंड करते हैं टू द हाइपोथैलेमस टू इनहिबिट हीट लॉस मैकेनिज्म, जितने भी हीट लॉस करने के मैकेनिज्म बॉडी में होते हैं उनको रोका जाए। कौन कौन से हैं, पहला तो हम हीट लॉस के लिए क्या करेंगे, वी विल कंस्ट्रिक्ट सुपरफिशियल ब्लड वेसल, यानी कि जो स्किन में ब्लड वेसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट किया जाए, उनको थोड़ा सा तंग किया जाए ताकि ब्लड फ्लो रोका जाए, एंड स्टिमुलेटिंग शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, और हीट प्रोड्यूस करने के दो जो मेन प्रोसीजर्स हैं शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग, उन दोनों को स्टार्ट किया जाए ताकि हीट प्रोडक्शन इट शुड बी इंक्रीज। ओके, तो द नेक्स्ट इज टेम्परेचर इन फीवर दैट इज पायरेक्सिया, कि जब टेम्परेचर हमारी बॉडी के एक्सेट पॉइंट से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर, इट कैन बी ड्यू टू सर्टन इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के केस में हो जाता है, इन्फेक्शन जैसे ही होता है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स, दे इंक्रीज इन नंबर। अब क्या होते हैं कि इन पैथोजेंस के वो वाले बैक्टीरिया या जर्म्स जो हमारी बॉडी के लिए डिजीज काजिंग है, ये पैथोजेंस और हमारे ब्लड सेल्स एक खास केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, दिस केमिकल्स आर कॉल्ड पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या करते हैं, ये पायरोजेंस हमारे जो बॉडी का हाइपोथैलेमस का जो सेट पॉइंट है 37 डिग्री, ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, 37 से ज़्यादा कर देते हैं, जिसके रिजल्ट में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, फीवर और हाई टेम्परेचर। अच्छा, अब जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है इसका फ़ायदा बॉडी को ही होता है, बॉडी को ये फ़ायदा होता है कि उस हाई टेम्परेचर में ये जो हमारे बॉडी में जिन्होंने अटैक किया हुआ है पैथोजेंस में बैक्टीरिया या वायरस में, वो एक्टिवली ग्रो नहीं कर सकते, इसके रिजल्ट में ये बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पर काम करता है।
करके मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हाउ व्हाट हैपेंस इन टेम्परेचर या फीवर, जिसको पायरेक्सिया भी कहते हैं, कि जब हमारी बॉडी के ऊपर सर्टेन बैक्टीरिया या वायरस अटैक करते हैं तो क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा जो बॉडी के वाइट ब्लड सेल्स हैं, ल्यूकोसाइट्स हैं, इंक्रीज इन नंबर। अब ये जो पैथोजेंस वो रेड ब्लड सेल एक खास किस्म का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, जिस केमिकल इज कॉल्ड पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या करते हैं, दे इंक्रीज, ठीक है, ये डिस्प्लेस कर देते हैं कि बॉडी के सेट पॉइंट टेम्परेचर का है 37 डिग्री, उसको वहाँ से आगे या पीछे कर देते हैं। जैसे ही ये टेम्परेचर अबव द नॉर्मल पॉइंट 37 डिग्री से ऊपर जाता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, 37 से ऊपर हो जाता है, 38-39 पे चला जाता है सेल्सियस में। तो ये जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एक तो हमें इंडिकेशन हो जाती है कि समथिंग इज गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी, मतलब कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कोई बॉडी में एक तरह का फॉरेन ऑर्गेनिज्म इन्वेड किया हुआ है। तो उस हाई टेम्परेचर के रिजल्ट में एक तो हम मेडिसिन वगैरह या कोई भी अपना उसके लिए मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात कि जो हाई टेम्परेचर है ये हमारी बॉडी का एक कंट्रोल सिस्टम है जो उन ऑर्गेनिजम्स को अटैक फर्दर करने से रोकता है। तो दिस वॉज द टूडेज टॉपिक। आई होप के यू विल हैव